स्केरी टेरी ने किया फिर से हमला। एक और शख्स की हुई उसी के घर 13C एल्म स्ट्रीट में हत्या। 44 साल की महिला जिनका नाम था लिंडा हायडन आज दोपहर अपने कमरे में मरी हुई पाई गई। किसी नोकीले हथियार से काटा गया उनका गला और ज्यादा खून बह जाने की वजह से हुई उनकी मौत। लिंडा अपनी 15 साल की बेटी समांथा के साथ उस घर में रहती थी। समांथा ने अपनी माँ के खून से लथपथ लाश आज सुबह उनके कमरे में देखी। पुलिस को वारदात की जगह बुलाया गया और हमारे रिपोर्टर की कुछ ही मिनट पहले उस मासूम बच्ची से हुई बात। आइए जानते हैं कि समांथा हायडन को इस हादसे के बारे में क्या कहना है। मॉम को जल्दी उठना पसंद नहीं था, लेकिन जब वो दिन में खाने के लिए भी नीचे नहीं आई तो मुझे चिंता होने लगी, इसलिए मैं उन्हें देखने उनके कमरे में गई। मैंने पहले दो बार दरवाजा खटखटाया लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने दरवाजा खोला और देखा। ओह माय गॉड, मैंने देखा कि उनका गला कटा हुआ था और हर जगह खून ही खून था, चादर पर, पर्दों पर और फिर उन दीवारों पर भी। क्या तुमने किसी को भागते हुए देखा? नहीं, कमरा खाली था लेकिन वहाँ दीवार पर उनके खून से कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा था? तुम जानती थी कि ये तुम्हारे साथ होने वाला है चुड़ैल, तुम्हारा स्केरी टेरी। उसने ही मेरी मॉम के खून से लिखा था। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं, मैं आज रात से इस घर में नहीं सो सकती। क्या तुम्हें लगता है कि स्केरी टेरी का ही काम है? बेशक ये वही है, वो पागल है। कोई प्लीज उसे रोको इससे पहले कि वो किसी और का कत्ल करे। हम बस कल्पना ही कर सकते हैं कि उस बेचारी बच्ची समांथा पर क्या बीत रही होगी। पुलिस वाले एल्म स्ट्रीट के उस घर में गए और उन्होंने आसपास रह रहे पड़ोसियों से भी साइकिल कातिल के बारे में पूछताछ की, जो खुद को स्केरी टेरी का नाम देता है। उसका पहला शिकार 45 साल का रोनाल्ड रेगन था, जो इसी के पड़ोस में रहता था, और उसे भी दो दिन पहले इस आदमी ने इसी तरह मारा था। लेकिन आखिर ये स्केरी टेरी है कौन? अभी तक तो ये मशहूर सीरीज रिक और मोर्टी का सिर्फ एक काल्पनिक पात्र था, लेकिन अब ये असली होने का दावा कर रहा है, एक बुरे सपने जैसा सच। क्या वो ये सब एक पागलपन के कारण कर रहा है, या फिर ये किसी तरह का घटिया बदला है जो ऐसा इंसान ले रहा है जिसे मिस्टर रेगन और मिसेस हायडन दोनों जानते थे? इन जवाब के सवाल अभी भी बरकरार हैं, लेकिन इन सबसे भी ज्यादा डरावना सवाल ये है कि क्या उसका बदला पूरा हो चुका है, या फिर उसकी लिस्ट में और भी किसी का नाम है। यार ये हमारे शहर में हो क्या रहा है? मैंने लियम की तरफ देखा, उसका चेहरा भी फीका पड़ चुका था। पिछले कुछ हफ्तों में कोई सरफरा कातिल हमारे पड़ोस में घूम रहा था। वो लोगों के घर में घुस रहा है और नींद में उनकी गर्दन काट रहा है। मेरा भाई और मैं सुबह की खबरें देख रहे थे जब हमने अपने डैड को घर के अंदर आते हुए देखा। हमारे डैड इस शहर के पुलिस वाले थे। डैड, क्या आप जानते हैं कि ये स्केरी टेरी कौन है? मुझे इस बारे में कोई अंदाजा नहीं है बेटे। बेचारे रोनाल्डो और लिंडा, मुझे यकीन नहीं होता कि वो मर चुके हैं। हम सब एक साथ हाई स्कूल में पढ़ते थे और अब उन दोनों की किसी साइको किलर ने हत्या कर दी। हे भगवान। मेरे डैड पास में पड़े टेबल पर बैठ गए और उन्होंने अपने मुंह अपने हाथों के नीचे छुपा लिया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं आज रात को काम पर जाऊंगा, पुलिस पूरी जगह पहरेदारी करेगी, इसलिए सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद रखना जब तक मैं ना आ जाऊं, ठीक है? जी डैड। मुझे थोड़ी नींद की सख्त जरूरत है, अगर मेरे लिए किसी का फोन आए तो उन्हें कहना कि मैं शाम 5 बजे तक ऑफिस आ जाऊंगा। ठीक है। अपने डैड को इतना परेशान और थका हुआ देखकर मैं इस केस की गंभीरता को समझ गया। वो अपने कमरे में थोड़ी देर आराम करने चले गए और मैं लियम के साथ वहीं बैठ गया। क्या तुम्हें भी लगता है कि स्केरी टेरी ने इन दोनों से बदला लिया है? मुझे नहीं पता, मिस्टर रेगन और मिसेस हेडन बहुत ही अच्छे लोग थे, आखिर कोई उनसे किसी भी तरह की दुश्मनी क्यों रखेगा? शायद उन्होंने स्केरी टेरी को बहुत गलत समझा हो। हे, अभी डैड ने कहा था ना कि ये सब एक साथ हाई स्कूल गए थे। हाँ, तो जरूर ही ये कोई ऐसा शख्स है जिसे रोनाल्ड और लिंडा दोनों जानते थे, जैसे खबरों में उस औरत ने कहा। तो तुम कहना चाहते हो कि स्केरी टेरी भी उन लोगों के साथ हाई स्कूल गया था? एग्जैक्टली। मैं भागकर बेसमेंट में गया और मैंने अपने डैड की पुरानी तस्वीरों की एल्बम निकाली। लियम और मैं उन पुरानी तस्वीरों को देख रहे थे कि तभी लाइट चली गई और हमें ऊपर से बहुत ही तेज आवाज आई। ये क्या हुआ? मैंने डर भरी आंखों से लियम की तरफ देखा। वो धीरे से सोफे पर से उठा और उसने जोर की आवाज लगाई, डैड, क्या आप ठीक हैं? लेकिन हमारे डैड ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मुझे अपने ऊपर किसी के पैरों की आवाज सुनाई देने लगी। कोई हमारे घर में है? क्या ये स्केरी टेरी है? लियम किचन में गया और उसने अपने हाथ में एक चाकू पकड़ लिया। हम दोनों दबे पांव के साथ अपने डैड के कमरे में जाने लगे। डैड, डैड, क्या सब कुछ ठीक है?
लेकिन जैसे ही मैंने धक्का देकर दरवाजा खोला, मैंने अपने सामने एक डरावना मंजर देखा। मेरे डैड एक कुर्सी से बाहर हुए थे और एक आदमी स्केली टेरी कपड़े पहने हुए उनके पीछे खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटी सी तलवार थी। उसने ठीक मेरी आंखों में देखा और कहा, अपने डैड के डरावने सपने में तुम्हारा स्वागत है बच्चों। डैड, ये सब क्या हो रहा है? अंदर मत आना, वहीं खड़े रहो। तुम इन्हें क्यों मारना चाहते हो? मैं इसे दर्द दे रहा हूँ, मैं इसे दर्द दे रहा हूँ। इसने और इसके स्वार्थी दोस्तों ने मेरे भाई को दर्द दिया है। इन लोगों ने मिलकर उसे इतना सताया, इतना परेशान किया कि मेरे बेचारे भाई ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। उसने आत्महत्या जैसे ख्याल आने लगे और एक रात उसने अपने कमरे में आग लगा दी। वो और मेरा पूरा परिवार आग में जलकर राख हो गया। अगर मैं वक्त पर वहां से नहीं निकला होता तो मैं भी मर जाता। ऐसा कहते हुए उसने आखिरकार अपनी काउबॉय हैट उतार दी। उसका चेहरा जला हुआ था, उसकी स्किन उसके जबड़े से लटक रही थी। वो एक लाश से भी ज्यादा बुरा दिख रहा था। लियम ने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, प्लीज हमारे डैड को मत मारो। वो जानता था कि उसके साथ ये होने वाला है। ठीक रोनाल्ड और लिंडा की तरह अब इस पूरे शहर को पता चल जाएगा कि स्केरी टेरी के जिंदा होने की वजह उनका पुलिस वाला और उनके दोस्त थे। उसने एक झटके में हमारे डैड का गला काट दिया और हम अपने डैड की आंखों में खून उतरता हुआ देखते रहे। उनके माथे की नसें दर्द के मारे फूल गई और उनके मुंह से गला घुटने जैसी आवाज आने लगी। उनकी टांगें एक तड़पते हुए पंछी की तरह कांपने लगी और मैंने अपनी जिंदगी की सबसे तेज चीख लगाई, नहीं डैड! लेकिन स्केरी टेरी वहीं नहीं रुका। उसने वही छोटी तलवार अपने गले पर लगाई और कहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम बच्चों ने अपने डैड की गलती से सीख लिया होगा। कभी भी किसी को परेशान मत करना, वरना वो एक ना एक दिन अपना बदला लेने जरूर आएंगे। मैं चाहता तो बहुत पहले ही अपनी जान ले सकता था, लेकिन फिर एक दिन मैंने रिक और मॉर्टी में स्केरी टेरी को देखा। अपनी जिंदगी में पहली बार मुझे लगा कि कोई मेरे जैसा था। क्या तुम जानते हो ये एक परिवार के बिना बड़े होना कैसा होता है? हर दिन अपना जला हुआ चेहरा शीशे में देखना और बार बार यह याद करना कि इसका जिम्मेदार तुम्हारा अपना भाई था। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे उसे इसका जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। अगर मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो तुम्हारे डैड और उनके दोस्त है। अब मैंने अपना बदला ले लिया है। अब मैं चैन की मौत मर सकता हूँ। तुम सबसे मैं जहन्नुम में मिलूंगा। और उसका शरीर जमीन पर गिर गया। एक बार फिर स्केरी टेरी कत्लों का एक दुखद अंत। शहर के पुलिस वाले उस साइको कातिल के तीसरे शिकार बने और वो खुद अपना चौथा शिकार। पूरा शहर डर से कांप रहा है, लेकिन इस उम्मीद में भी है कि आज रात सब चैन की नींद ले सकते हैं, क्योंकि स्केरी टेरी आखिर मर चुका है। मेरा नाम मिया है। मैं इंटरनेट पर कोई जानी मानी हस्ती या कोई मशहूर सेलिब्रिटी नहीं हूँ और ना ही बनना चाहती हूँ। लेकिन मेरा भाई बिल है। शायद आपने भी वो वीडियो देखी होगी जिसमें एक लड़का एक रेस्टोरेंट में जाकर खास रिक और मॉर्टी सॉस मांगता है और ये चिल्लाता है कि वो पिकल रिक है। हर किसी को हंसी आ जाती है, लेकिन मेरे भाई का पागलपन के पीछे बहुत ही दर्दनाक हादसा है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। ये सब तब शुरू हुआ जब रिक और मॉर्टी की सीरीज के बहुत चर्चे थे और वो बहुत ही मशहूर शो था। मेरा भाई उन लोगों में से एक था जो इस सीरीज को नहीं देखता था, लेकिन मैंने उसे इतना जोर दिया कि उसने उसे देखा और काफी पसंद भी किया। ये कहने की तो जरूरत ही नहीं है कि उसे वो बहुत पसंद आया। उसने सारे सीजन्स एक ही दिन में खत्म कर दिए। सीरीज खत्म करने के बाद उसने उसे दोबारा देखना शुरू कर दिया और जिस दिन मेरे भाई ने अपने दिमागी हालत खोई वो उसे तीसरी बार देख रहा था। उस दिन मेरे पेरेंट्स ने उससे पूछा कि क्या वो उन्हें मैकडोनल्ड्स लेने आ जाएगा, क्योंकि वो हमारे छोटे भाई के साथ वहां कुछ खाने जा रहे थे। बिल ने उनसे कहा कि उसे गाड़ी में कुछ ठीक करना है, इसलिए वो उन्हें लेने नहीं आ पाएगा। लेकिन मैं जानती थी कि ये सब झूठ था, क्योंकि जब उसे लगा कि मैं सो रही थी तो मैंने दरअसल उसे सुपरमार्केट जाते हुए देख लिया था। उसने इसलिए उनसे झूठ कहा था क्योंकि वो घर पर रुककर रिक और मॉर्टी तीसरी बार देखना चाहता था। हालांकि उसकी इस बात से मुझे बुरा लगा, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा। असली हादसा कुछ घंटों बाद हुआ। जिस कैब में मेरे पेरेंट्स घर लौटकर वापस आने वाले थे वो दरअसल कभी लौटी ही नहीं। उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उसकी वजह यह थी कि उस गाड़ी का ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चला रहा था।
मैंने अपने दोनों पेरेंट्स और यहाँ तक कि अपने छोटे भाई को भी खुद नहीं अपने इकलौते साथी बिल को भी। अपने बड़े भाई के हाव भाव मुझे बिल्कुल समझ नहीं आए। जब उसे पता चला तो बिना कुछ कहे वो बस एक पुतले की तरह वहां खड़ा रहा और मुझे देखता रहा। फिर वो वापस डाइनिंग कमरे में गया और रिक और मोर्टी देखने लगा। वो अक्सर जो भी देखता है उसके बारे में काफी बातें करता है, लेकिन इस बार वो बस चुपचाप उसे देखता रहा। जब सीजन खत्म हुआ तो उसने फौरन उसे शुरू से दोबारा चला लिया। कुछ देर बाद वो बस सोता खाता और रिक और मोर्टी देखता। पहले तो मुझे लगा कि उसका इस तरह का बर्ताव करना आम बात है, लेकिन कुछ देर बाद मुझे चिंता होने लगी। बिल, मैं काम पर जा रही हूँ, क्या तुम मेरे आने के बाद बाहर चलकर कुछ खाना चाहोगे? नहीं। क्या तुम्हें यकीन है हम चाइनीज खाने के लिए बाहर जा सकते हैं? मैंने कहा नहीं। ठीक है, जो कुछ भी हुआ उसके लिए खुद को दोषी मत ठहराओ। तुम्हें नहीं पता था कि उनके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं खुद को किसी भी चीज का जिम्मेदार नहीं मानता, वो सब ड्राइवर की गलती थी। वो ठीक है, ये जानकर अच्छा लगा। एक बार जान लो, अगर तुम कभी भी किसी भी चीज के बारे में कुछ बात करना चाहते हो तो मैं हूँ। मुझे किसी भी चीज के बारे में बात नहीं करनी है। मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, और बात करने के लिए कुछ है भी नहीं। क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? हाँ, माफ करना। और फिर अचानक बिल टीवी देखकर किसी पागल की तरह मुस्कुराने लगा। फिर वो जोर जोर से हंसने लगा। ये हिस्सा सबसे ज्यादा मजेदार है। बिल, वो सीरीज के आखिर में आने वाले टाइटल्स हैं। एपिसोड खत्म हो गया है। मैं बहुत दिल से चाहती थी कि मैं अपने भाई के साथ बैठूं और वक्त बिताऊं, लेकिन किसी ना किसी को तो काम करना ही था, और मैं ये भी जान गई थी कि कुछ बुरा होने वाला है। मेरे परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बाद ये काम में मेरा पहला दिन था। सभी लोग मुझसे मिलने के लिए मेरे कमरे में आए, लेकिन इस बीच मेरे कमरे में एक ऐसा शख्स भी आया जिसका कुछ और ही कारण था। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता मिया, लेकिन क्या ये तुम्हारा भाई है? हे भगवान, ये कोई अच्छी खबर तो नहीं लगती, दिखाओ मुझे। जब मैंने उसका फोन देखा मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, मुझे बस रोना आ ही गया। मेरा भाई मैकडोनल्ड्स में था, वहां जहां हमारे पेरेंट्स एक्सीडेंट से पहले गए थे। आज आप सब जानते हैं कि उस वीडियो में क्या हुआ था, लेकिन उस वक्त वो बहुत हैरान कर देने वाला था। जॉश, ये वीडियो कब डाला गया था? देखते हैं, ये डाला गया है 1 घंटे पहले, और इतने जल्दी इसके इतने सारे व्यूज हैं। ओह, मुझे माफ करना मिया। कोई बात नहीं, मुझे बॉस से बात करनी होगी और घर जाना होगा। उस दिन उन्होंने मुझे जल्दी घर जाने की इजाजत दे दी। पूरे रास्ते मैं बस यही प्रार्थना कर रही थी कि बिल अब तक घर आ गया हो। मेरी प्रार्थना का फल मुझे मिल गया था, क्योंकि जब मैं घर पर पहुंची तो मुझे बिल के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जब मैं बाहर से अंदर गई तो बाहर जल रही लाइट्स की वजह से अंदर थोड़ी रोशनी थी, लेकिन घर पूरी तरह बंद था और उसमें अंधेरा था। मैंने लाइट्स चलाने की कोशिश की, लेकिन बटन काम नहीं कर रहे थे, किसी ने बिजली की लाइन काट दी थी। अपने अंदर डर लिए मैंने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की और अपने भाई के कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो वो कमरा खाली था। मैं उसे ढूंढते हुए डाइनिंग कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतरी तो मेरा दिल जैसे रुक सा गया। वो दरवाजा जिससे मैं अंदर आई थी ना सिर्फ बंद था, बल्कि किसी ने उसके आगे एक भारी फर्नीचर भी रखा हुआ था, और वो भी बिना किसी आवाज के। मैं अंदर बंद हो चुकी थी। मैं उस फर्नीचर के पास गई और उसे धीरे धीरे धक्का देकर खिसकाने लगी, लेकिन फिर अचानक किसी चीज ने मुझे पीछे से जोर का धक्का दिया और मैं जमीन पर गिर गई। जब मैं जमीन से अपने ऊपर हमला करने वाले को देखने की कोशिश की तो मुझे एक नोकीला चाकू मेरे चेहरे की तरफ आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन मैंने खुद को बचाते हुए अपना सर वहां से हटा लिया। उसके बाद मैंने बिल को देखा। उसने सिर्फ अंडरवेयर पहना हुआ था, बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा भी अजीब सा लग रहा था। क्या बिल, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं फौरन उठी और ऊपर अपने कमरे की तरफ भागने लगी। मैंने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और दरवाजे पर ही खड़ी रही। दूसरी तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। मैंने दरवाजे पर अपना कान लगाया ये सुनने के लिए कि दूसरी तरफ क्या चल रहा हो, और ये जानने के लिए कि क्या उस तरफ कोई है भी। मेरी चीख सुनकर बिल बार बार दरवाजे पर चाकू मारने लगा। वो बस टूटने ही वाला था। मुझे जल्द अपने लिए छुपने की जगह सोचनी थी।
इसके बाद पुलिस जल्द ही आ गई। उसे कत्ल की कोशिश करने के इल्जाम में जेल में डाल दिया गया। मुझे पूरा यकीन था कि साइकोलॉजिस्ट उसे पागल कहने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उससे भी पहले उसने खुद की जान लेने का फैसला कर लिया। मेरे साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि बिल कभी खुद को इस चीज के लिए माफ नहीं कर पाया और खुद को अपने परिवार के साथ हुए हादसे का जिम्मेदार मानता रहा। वो एक नाजुक नौजवान था जिसने खुद को इस गलती के बारे में सोचने से रोकने के लिए अपने आप को रिक और मॉर्टी के सीजन में डुबा लिया। वो खुद से इतना खफा था कि आखिर में वो अपने आप खो बैठा और एक गलत कदम उठा बैठा। और जहां तक मेरी बात है, मैं हर दिन अपने मॉम डैड और भाइयों को खोने का गम मनाती हूँ, चाहे फिर वो थेरेपी पर जाने से हो या उनकी अच्छी यादें याद करने से। मैं अब कभी रिक और मॉर्टी नहीं देख पाऊंगी, लेकिन अपना माइंड क्लियर करने के लिए मैंने बोजॉक हॉर्समैन देखना शुरू किया है। लेकिन मैं अपने भाई की तरह नहीं करती, मैं सिर्फ कुछ ही एपिसोड्स देखकर उसे बंद कर देती हूँ। सरप्राइज किसे पसंद नहीं होता, जैसे कि जन्मदिन की पार्टी या फिर ऐसा कोई तोहफा जो खास आपके लिए चुन कर लाया गया हो, चाहे आपको उसके बारे में कुछ पता भी ना हो। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि उसके बारे में जानकर आपको बहुत अच्छा लगता होगा, है ना? लेकिन क्या हो अगर वो सरप्राइज बुरा हो तो? आप बुरी तरह डर जाएंगे। बस कुछ ही महीनों पहले मैं एक नए शहर में आया ताकि मैं उस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर सकूं जहां मैं चाहता था, और तभी से मैं बहुत बिजी रहने लगा और इस वजह से मैं अपने सबसे अच्छे दोस्तों से मिलने का वक्त भी नहीं निकाल पाया। किस्मत से एलिजा, कैथरीन, जस्टिन और मैं रविवार की एक दोपहर को मिलने के लिए तैयार हो गए। अब मैं क्या कहूँ, हमें बहुत मजा आया, बल्कि हमें एक साथ इतना मजा आया कि मुझे ऐसा लगा जैसे टाइम बहुत ही जल्दी बीत गया, क्योंकि जब मैंने घड़ी देखी तो उसमें 7 बज चुके थे। अब मुझे चलना चाहिए दोस्तों। अरे रुक जाओ डोनाल्ड। हाँ यार, थोड़ी देर तो रुक जा, कल मंडे है यार जस्टिन। हाँ तो कल एक क्लास मिस कर देना और क्या, तुम सब जानते हो कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, तुम घर पहुँच कर मुझे मैसेज कर देना। हाँ प्लीज। जैसे ही मैंने अपने दोस्तों को गुड बाय कहा और मैं उस बार से निकल गया जहां हम सब बैठे थे और अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने लगा जहां अब मैं रहता था। हालांकि वो बिल्डिंग शहर के बाहर थी, लेकिन वो इतनी ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए मुझे पैदल जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं वापस जाते हुए ऐसा कुछ खास नहीं सोच रहा था। मेरे दिमाग में एक से दूसरे ख्याल आने लगे और कुछ न कुछ चलने लगा, लेकिन कुछ भी गंभीर नहीं, बस मेरा ध्यान भटका हुआ था। अचानक मुझे ऐसा लगने लगा जैसे सब कुछ घूम रहा है। मैं बेहोशी की हालत में था और मेरे शरीर पर मेरा कोई संतुलन नहीं था, इसलिए मैं जमीन पर गिर गया। मैं इतना तो समझ गया था कि किसी ने मेरी बाजू पकड़ ली है और वो मुझे जंगलों में घसीट कर ले जा रहा है। क्या? जब मैंने आंख खोली तो सबसे पहली चीज जिसका मुझे एहसास हुआ वो था मेरे सर में जोर का दर्द। शिट। मुझे अभी भी धुंधला दिख रहा था और उस जगह काफी अंधेरा भी था, लेकिन फिर भी मैंने आसपास देखने की कोशिश की। वो एक छोटा सा कमरा था और उसमें पुराना फर्नीचर रखा हुआ था। मुझे ये भी दिख रहा था कि पास ही में एक दरवाजा भी है, लेकिन मुझे कोई खिड़की दिखाई नहीं दे रही थी। जैसे ही मैंने हिलने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूँ उससे मेरे हाथ और पांव बंधे हुए हैं। क्या बकवास है, मदद करो, कोई मेरी मदद करो। मेरी चीख के बाद उस कमरे में वापस से शांति हो गई, लेकिन फिर अचानक मुझे मेरे पास से कुछ अजीब आवाज आती हुई सुनाई देने लगी। हाँ, वो सुनने में ऐसा लग रहा था जैसे हेलो डोनाल्ड, क्या हुआ, हवा टाइट हो गई? क्या बदतमीजी है, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? क्या तुम मेरे शरीर के अंग निकालना चाहते हो ताकि उसे बेचकर तुम पैसा कमा सको और अपनी घटिया जिंदगी जी सको? अगर मैं कहूँ हाँ तो डोनाल्ड, आखिर तुम क्या कर लोगे ये होने से रोकने के लिए? अभी मेरा नाम पहले से ही 2 बार ले चुका था, लेकिन मैं इतना घबराया हुआ था कि पहली बार में तो मेरा ध्यान ही नहीं गया, बल्कि दूसरी बार एहसास हुआ। कौन हो तुम? क्या तुम्हें मेरा मुखौटा पसंद आया डोनाल्ड? तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? हाँ, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम्हें इस वक्त लग रहा होगा कि तुम मुझे कई बेहतर हो, है ना, मुझसे बेहतर हो ना, है ना डोनाल्ड? मैं एक परफेक्ट इंसान नहीं हूँ, लेकिन कम से कम मैं तुम्हारे जैसा घटिया किडनैपर भी नहीं हूँ। लेकिन फिर भी तुम इस दुनिया से जाने के लायक ही हो। मैं इतना कंफ्यूज, इरिटेटेड और गुस्से में था कि मुझे ये तक समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे क्या जवाब दूं, क्योंकि मुझे उसकी कही हुई किसी भी बात का कोई सर पैर नहीं लग रहा था। अपार्टमेंट नंबर 44 को हाय नहीं कहोगे डोनाल्ड? डगलस? बहुत सारी बातों का अभी भी कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कम से कम मुझे ये पता चल गया था कि वो कौन था। जब मैं अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था तो सभी लोग मुझे डगलस बुलाया करते थे। ऐसा लगता था जैसे पड़ोस के लोगों को हमें पहचानने में बहुत मुश्किल होती थी। अरे डोनाल्ड, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों जुड़वा भाई हो, अब हमें यूँ सताना बंद करो। लेकिन बात तो ये थी कि मेरा कोई भाई नहीं था और जुड़वा तो बिल्कुल भी नहीं।
मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा डोनाल्ड। मैं तुम्हें बहुत ही लंबे अरसे से जानता हूँ, लेकिन तुम हमेशा यही सोचते रहे कि तुम मुझसे बेहतर हो और मेरी जगह ले सकते हो। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा कि मैं तुम्हें ये बहुत आसानी से करने दूंगा? हाँ देखो, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी जगह लेना चाहता हूँ तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई है ना? वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपने दाएं हाथ से मास्क को पकड़ा और उसे उतार दिया। ये क्या बकवास! ये ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद को शीशे में देख रहा हूँ, लेकिन मुझे अब तक यकीन नहीं हो पा रहा था क्योंकि वहाँ काफी अंधेरा था। मैं चुपचाप उसे घूरता रहा। अरे अरे अरे, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। वो आदमी मेरे पीछे कहीं चल कर गया और एक सेकंड के अंदर वो जगह रोशनी से इतना जगमगा उठी कि मुझे अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। शिट! जब मैंने अपनी आंखें दोबारा खोली तो वो फिर से वहीं मेरे सामने खड़ा था। आखिर तुम हूबहू मेरे जैसे क्यों दिखते हो? इस बार मैं हम दोनों के बीच कुछ चीजें देख सकता था जो हमें काफी अलग करती थी, जैसे कि उसका पागलों की तरह देखना। मैं ऐसा कभी नहीं करता। और तो और उसकी बुरी हालत, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कई दिनों से नहीं सोया, लेकिन बाकी सब हूबहू था। तुम्हारे चेहरे का ये भाव। मेरा भी ठीक ऐसे ही था जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था। मुझे एक बार और शांति का एहसास हुआ। मैं भी बहुत डर गया था, ठीक वैसे ही जैसे अभी तुम डरे हुए हो, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि हमें जानकर हूबहू बनाया गया है। शायद गवर्नमेंट ने या किसी और ने, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक जैसे दिखते हैं और ये मुमकिन है, लेकिन मैं ऐसा नहीं जी सकता। ये चीज मुझे पागल कर रही है। एक जैसे दो नहीं रह सकते, क्योंकि दूसरा कभी भी शांति से नहीं जी पाएगा। दूसरा? हाँ दूसरा, वो जिसे कोई नहीं देखता, वो जो हर चीज में सबसे अच्छा नहीं है। लेकिन मैं जीऊंगा, मुझे बस तुम्हारे शरीर से ये स्किन उतारनी है। उस आदमी ने फौरन अपने पैंट्स की दाएं जेब से एक चाकू निकाला और तब मैं खुद को वहां से आजाद करने के लिए तड़पने लगा। ऐसा करने से तुम अपनी तकलीफें और बढ़ा लोगे और कुछ नहीं। जैसे उसने मुझे काटना शुरू किया, मैं चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाया। रुको! बेहोश होने से पहले मैंने उसे कहते हुए सुना, जो सोचा है वो करने के लिए ये चाकू काम नहीं आएगा। अगली बार जब मुझे होश आया तो मैं अकेला था और धीरे धीरे मेरा खून बह रहा था। वो मुझे किसी दूसरे हथियार से काटना चाहता था, इसलिए ताकि मैं मर ना जाऊं उसने मेरा खून रोकने के लिए जगह जगह पर बैंडेज लगा दी थी। मैं सोच भी नहीं सकता कि उस दिन मेरे साथ क्या हुआ होता अगर मेरे दोस्तों ने मेरे लापता होने की शिकायत पुलिस को दर्ज नहीं करवाई होती। पुलिस मुझे डगलस के घर से ढूंढने में कामयाब रही। जल्द ही मुझे इस केस के सिलसिले में कोर्ट बुलाया गया। इस हरकत की वजह से उसे जेल होने वाली थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उसका चेहरा देखने के लिए तैयार था। वो चेहरा जो ठीक मेरे जैसा लगता था, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट, बिना किसी निशान के।